हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर आई एम दीपक सिंह। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फोन्स जो कि 10,000 के अंदर आपको देखने मिलते हैं, अपने साथ काफी बेटर फीचर लाते हैं, के साथ आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे और डे टू डे टास्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। और ये इस प्राइस रेंज के बड़े पॉपुलर फोन्स हैं, तो जानते हैं कौन कौन से फोन्स हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जानना चाहते हैं तो पसंद आए तो लाइक वाइक भी कर सकते हैं। एंड दिस इज योर चॉइस, सो लेट्स गो। लेकिन ये टॉप फोन से अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा फोन आपको सूट करता है आपके हिसाब से। हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 पर आता है वो आता है Redmi 9 Prime। ये फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, तो नॉर्मल सी बात है। 4-inch Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन देखने मिलती है एंड 400 nits की आपको इसमें पिक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। और इसके प्रोसेसर की बात करें पावर मैनेजमेंट की, उसमें Helio का G80 प्रोसेसर लगा हुआ है जो 12 nm पर बेस्ड है। ये G70 G80 ये सीरीज है, काफी पॉपुलर है गेमिंग के लिए अंडर बजट फोन्स में, तो दिस इज अ गुड वन। और इसका एंटीट्यूड स्कोर भी लगभग 2,00,000 के करीब निकल कर आता है, जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा इसकी परफॉर्मेंस का। और कैमरा सेगमेंट की बात करें 13 megapixel का कैमरा देखने मिल जाता है जो मेन सेंसर है, प्लस 8 megapixel का वाइड एंगल, 2+ माइक्रो एंड सेंसिंग कैमरा देखने मिल जाते हैं इसमें हमें, एंड 8 megapixel की फ्रंट सेल्फी देखने मिल जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों पावर मैनेजमेंट की तरफ, तो इसमें 5020mAh की बैटरी देखने मिलती है विद 18W की फास्ट चार्जिंग टाइप सी द्वारा। लेकिन आपको जो बॉक्स में देखने मिलता है ओनली 10W का ही चार्जर देखने मिलता है। और इसमें हमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने मिलता है, 2 sims प्लस 1 micro USB कार्ड। इनका अपना MIUI सिस्टम देखने मिलता है स्क्रीन, जो कि Android 11 पर बेस्ड है। फेस अनलॉक, माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस, इसके दो वेरिएंट आते हैं, 4GB एंड 64GB एंड 128GB का वेरिएंट देखने मिलते हैं। इस फोन की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात कर ली जाए तो उसमें अच्छी खासी डिसेंट बैटरी देखने मिलती है एंड डिसेंट परफॉर्मेंस देखने मिलती है हमको उसकी गेमिंग में एंड ओवरऑल डे टू डे लाइफ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। एंड दोस्तों नंबर 4 पे जो हमारा फोन निकल कर आता है वो आता है Poco M2 Reloaded। फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने मिलती है, प्लस Gorilla Glass P2i Gorilla Glass 3 देखने मिलता है एंड 400 nits की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। और इस फोन में भी हमें Helio का G80 प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि 12 nm पर बेस्ड है, और ये भी अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है जैसे कि पिछले फोन में था, तो सेम प्रोसेसर इस फोन में भी लगा है, तो ये भी गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन है इस प्राइस रेंज में। लेकिन इसका एंटीट्यूड स्कोर Redmi 9 Prime से थोड़ा बेटर है। इसका एंटीट्यूड स्कोर आपको 2,38,891 के लगभग देखने मिलता है। और दोस्तों कैमरे की बात कर लीजिए तो 30 megapixel का कैमरा देखने मिलता है इसमें, मेन सेंसर प्लस 8 megapixel वाइड एंड 5 megapixel प्लस 2 megapixel के 4 कैमरा का देखने मिलता है। एंड सेल्फी की बात कर लीजिए तो 8 megapixel की सेल्फी देखने मिलती है इसमें हमें, प्लस 5000mAh की बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग टाइप सी। दो वेरिएंट देखने मिलते हैं, 64GB प्लस 4GB एंड 4GB 128GB। इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने मिलता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक वगैरह देखने मिलता है। इसकी जो यूजर रेटिंग है 4.9 की है, तो काफी अच्छी रेटिंग है, आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। ओवरऑल दिस प्राइस रेंज में काफी अच्छा फोन है, आप इससे सारे काम कर सकते हैं, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों माइक्रोमैक्स 2 in 3। ये एक इंडियन स्मार्टफोन है, तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करिए, इसमें हमें 6.5 की HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलती है विद 400 nits पीक ब्राइटनेस के साथ। इसकी पावर की बात कर ली जाए तो इसमें आर्म कॉर्टेक्स A75 ऑक्टाकोर के प्रोसेसर देखने मिलते हैं D610। इसके एंटीट्यूड स्कोर की बात करें तो 176,847 के लगभग निकल कर आता है, जो कि पिछले वाले एम Poco से थोड़ा कम है, बट स्टिल ये भी एक अच्छा फोन है गेमिंग के लिए। आपको इसमें 30 megapixel का 1.8 वाला कैमरा देखने मिल जाता है, प्लस 2 megapixel AI कैमरा देखने मिल जाता है, जो कि एंड इसमें आपको 4x जूम भी देखने मिलता है। सेल्फी की बात कर लें दोस्तों तो इसमें 5 megapixel की सेल्फी देखने मिलती है। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई ज्यादा रैम वाला फोन देख रहे हैं तो दिस इज फॉर यू, क्योंकि 6GB रैम आपको 110,000 मिल जाती है इसमें। लेकिन इस फोन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है, अगर आप इसमें लगभग 8 घंटे गेम खेलेंगे तो इसमें आपको हीटिंग इश्यूज देखने मिलेंगे, तो थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है क्योंकि एक नया प्रोसेसर है, किसी अपडेट के साथ फिक्स भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। और इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने मिलता है, जो कि और किसी फोन में माय प्राइस रेंज के इस फोन में नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड एकदम क्लीन एक्सपीरियंस देखने मिलेगा आपको, कोई एड वगैरह देखने नहीं मिलेंगे, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो आप एक अगर इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा फोन है, इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है आप अगर नॉर्मल यूज करेंगे, तो दिस इज अ गुड फोन फॉर यू। हाँ तो गाइस नंबर 4 पर जो हमारी लिस्ट में जो फोन आता है वो आता है Infinix Hot 10s। आपको डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.8 inches की HD plus LCD वाली एक डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो एक
90Hz स्ट्रेस रेट के साथ एंड 120Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने मिलता है। ये इकलौता ऐसा फोन है हमारी लिस्ट में जो 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। उसमें आपकी गेमिंग एकदम स्मूथ होगा और चलाने का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है। इसमें आपको Helio का G85 प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि एक 12nm बेस्ड प्रोसेसर है। प्लस आपको इसमें गेमिंग मोड भी देखने मिलता है, Darlink नाम से एक गेमिंग मोड है। गाइस ये प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए काफी बेटर फोन है, काफी ज्यादा अच्छा फोन है और गेमिंग में कोई बाधा ना पड़े कोई दिक्कत ना है इसके लिए आपको इसमें 6000mAh की बैटरी देखने मिलती है विद 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। बट आपको डिब्बे में जो है कि 10W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है। ये डिसएडवांटेज है बट ओवरऑल फोन देखें परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी अच्छा है। एंड अब आते हैं कैमरा मैनेजमेंट की तरफ। इसमें 48MP का मैन सेंसर देखने मिलता है, डेप्थ सेंसिंग का कैमरा और AI कैमरा, नाइट स्केप कैमरा देखने मिलता है, आई फोटो फोकस एंड ब्लर वीडियो जो बैकग्राउंड ब्लर कर देता है आईफोन की तरह सिनेमैटिक वो भी देखने मिलता है आपको इसमें, जो कि और किसी फोन में अभी तक देखने नहीं मिला है इस प्राइस में हमारी लिस्ट में। 10,000 के अंदर काफी अच्छी बात है, वो अलग बात है कितने अच्छे से मैनेज कर पाता है उस चीज को। इसमें आप 2K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्लस आप 240fps पर स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें एक AI पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा भी देखने मिल जाता है। तो कैमरा में डेफिनेटली काफी अच्छे अच्छे मोड देखने मिल जाते हैं एकदम प्रो वाले। और सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी देखने मिल जाता है इसमें हमें, और इसमें काफी अच्छे स्पेशल मोड भी देखने मिलते हैं जो कि आपकी गेमिंग में चार चौंक लगा देंगे। हाँ लेकिन आपको इस फोन में एक दिक्कत देखने मिल सकती है, इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल ऐप देखने मिलते हैं आपको। जब भी फोन आप परचेज करेंगे तो आपको प्री इंस्टॉल बहुत सारे ऐप देखने मिलेंगे पहले से। हम तो वैसे इन्फिनिक्स ने मिड रेंज फोन में काफी बैटर काम किया है क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे पैक्स लेके आता है स्टूडियो साउंड वगैरह और 385 प्रोसेसर 12 RAM वाला, काफी अच्छी गेमिंग होने वाली है इसमें, नो लैग, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले सर कौन देगा आपको 10,000 के रेंज में, तो ये फोन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज अ गुड फोन, आप इसे जरूर परचेस कर सकते हैं अगर आप एक गेमिंग लवर हैं तो, अंडर 10,000 आपको बजट है तो। नंबर 1 पे जो हमारी लिस्ट में फोन आता है वो भी एक ऑलराउंडर फोन होने वाला है, उसमें भी कई तरह के स्पेक्स हैं। कौन सा है वो? जी हाँ, थोड़े सरप्राइज होने वाले हैं। तो दिस इज अ टेक्नो स्पार्क 8 6.8 वाली फुल HD IPS डिस्प्ले देखने मिलती है इसमें विद 120Hz टच सैंपलिंग रेट नॉट अ रिफ्रेश रेट। एंड इसमें भी आपको Helio का G85 मिनी ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर देखने मिलता है, इससे भी आपकी गेमिंग डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है। कैमरा मैनेजमेंट की बात करें तो 48MP प्लस 2MP सेंसिंग कैमरा है एंड जो कि AI सेंसर है, फ्रंट कैमरा है सेल्फी वाला, 8MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है इसमें हमें विद 1.7 MP के साथ विद डुअल LED फ्लैश। इसमें आपको प्रोफेशनल वीडियो मोड्स देखने मिल जाएंगे, नाइट मोड देखने मिल जाएंगे, प्लस वीडियो बोके भी देखने मिल जाएगा इसमें इन्फिनिक्स के फोन की तरह, टाइम लैप्स वीडियो शूट कर सकते हैं फुल HD में, प्लस इंटेलिजेंट ऑटो फोकस देखने मिलेगा। तो बैटरी मैनेजमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी देखने मिलती है विद 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने मिलेगा, आप इसमें 3GB तक मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं, जी हाँ बढ़ा सकते हैं, 7GB कर सकते हैं, 4GB को 7GB कर सकते हैं। इसका जो वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोर के साथ आता है। जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो डेफिनेटली काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाली है, टेक्नो ने काफी अच्छा काम किया है मिड रेंज फोन में, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इसे क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में आता है उसके साथ ये स्पेक्स लाना इट्स क्वाइट गुड, बहुत अच्छी बात है गाइस। और आप लाइक वगैरह कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।